सर यू हैव 15 सेकंड, 15 सेकंड में आपको जितनी भी बॉलीवुड में फ्रेंडशिप के ऊपर मूवीज बनी है वो गेस करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। फर्स्ट तो गुंडे, थ्री इडियट, ओ शोले, देन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ओके सोनू के टूटी की सिटी, एंड देन दिल चाहता है ऑब्वियसली, एंड काय पूछे, ये जवानी है दीवानी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जवानी है दीवानी, उसमें भी बहुत अच्छी दोस्ती है उनकी, टीटू की, सोनू की टीटू की स्वीटी, राइट, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दोस्ताना के बाद यार है तो बहुत सी बात यार याद नहीं आ रहा है। अरे अभी मडगांव एक्सप्रेस, यार आना सबसे पुरानी है, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जी की, गो गोवा गॉन, गो गोवा गॉन, शोले, अरे लव का पंचनामा, प्यार का पंचनामा, रोमांस फिल्म या रोमांस फिल्म। तो हमने सोचा क्यों ना अपने ऑडियंस से पूछे कि वो किस टाइप का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, सो लेट्स गो। तो सर जिंदगी में एक ऐसे शख्स होते हैं जो हम खुद से चूज करते हैं, वो होते हैं दोस्त। तो ऐसी कौन सी मूवी है जिसको देख करके लगता है कि ये मूवी मेरे और मेरे दोस्तों के लिए है? जैसे मुझे गुंडे बहुत अच्छी लगी, जैसे दोनों की जो केमिस्ट्री है, कहानी जैसे बढ़ती है, जो दोस्ती रहती है स्टार्टिंग से, मतलब चाइल्डहुड से लेके वो टॉप पीक पे पहुंच जाते हैं, जो क्राइम जो भी चल रहा होता है, एक्स वाई जेड चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मैंने एक फिल्म देखी थी कुछ कुछ होता है, तो वो चीज़ आज मुझे आपने याद दिला दी। और राहुल एंड अंजलि, और ज़िंदगी में ऐसा होता है कि रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं जो ब्लड के होते हैं, और दोस्त हम यहाँ पे चुनते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। तो दोस्ती के बारे में मैं क्या कहूँ, दोस्ती जो होती है वो दिल से होती है। मेरे लिए तो अगर देखा जाए तो ये जवानी है दीवानी, ये जवानी है दीवानी, बनी और उसका फ्रेंड है, उसका नाम नहीं आता, बट टू गुड है। क्यों सर ये जवानी है दीवानी क्यों? एक्चुअली देखिए, मतलब मेरे ऐसे बचपन से कोई ऐसा फ्रेंड नहीं रहा है, लेकिन जो मेरा एक स्कूल दौर जब शुरू हुआ है 7th या 8th स्टैंडर्ड में, तो मेरा एक फ्रेंड बना, लिटरली बता रहा हूँ, वो आज तक का मेरा फ्रेंड, से मेरा मास्टर्स हो चुका, ग्रेजुएशन सब कुछ कम्प्लीट, वो अभी भी मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा है, हर सुख दुख में या कोई भी हो, भाई आज यहाँ चलते हैं, भाई आज नॉट आउट करते हैं, कुछ भी हो भाई चलेगा, ये इस वजह से। जैसे बनी अपने अभी को करता था, उसको बुराइयों से हमेशा बचा के रखता था, इस वजह से भी वो बहुत अच्छा है यार। एक टाइम में मुझे लगता था दिल चाहता है इज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और कौन सी मूवीज हैं, अच्छा एक वो आई थी ना कि किट्टू की स्वीटी की, सोनू की टीटू की, टीटू की, इट वाज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, रोमांस वर्सेस रोमांस, या रोमांस वर्सेस रोमांस। क्यों सर गुंडे को आप इतना रिलेट क्यों करते हो? रिलेट मैं करता हूँ क्योंकि अभी मैं 25 ईयर्स ओल्ड हूँ, और मेरे दो दोस्त ऐसे हैं जो रहते ना कि लंगोटी आ रहे चड्डी पहन के घूमते थे गलियों में, तब से अभी तक वो मेरे दोस्त हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिलेटेबल लगती है, वो स्टोरी रिलेटेबल लगती है, तभी तो अपन कनेक्ट कर पाती है। तो सर बॉलीवुड की कोई ऐसी ब्रोमांस मूवी, मतलब ब्रोमांस मतलब कि देख करके लगता है कि नहीं यार ये मेरे और मेरे दोस्त की कहानी है, वो कोई मूवी आपको याद हो तो बताओ सर। मैं अगर देखना चाहूँगा तो रणवीर कपूर एंड कार्तिक आर्यन, क्या बात है, वो तो अच्छी मूवी, न्यू जनरेशन के लिए अच्छे हैं दोनों, अच्छा काम भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन देखना चाहूँगा कि उन जो उन्होंने अभी तक अलग के साथ ब्रो बॉन्ड वाला काम किया है, अगर साथ में दोनों करें तो क्या एक रिजल्ट आता है, इस वजह से मुझे इफ यू आर एन एक्टर इफ यू आर अप फॉर इट For sure, buddy. Okay, okay. अब romance वाली movie choose करोगे कि romance वाली movie choose? Romance, I will choose romance. Yes, yes. दोस्ती फिल्म है बॉबी देवल अक्षय जी की, तो वो कभी कभी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त और मेरी कहानी है। या क्या नाम है सर दोस्त का? मेरे दोस्त का नाम है प्रमोद परिहार, और वो MP में है, और बचपन का मेरा दोस्त है। तो सर अभी ऐसा कि एक नया ट्रेंड आ रहा है, एक ब्रोमांस दिखा रहे हैं, फिर से एक लाइक फीमेल रोमांस, फीमेल में दोस्ती यारी दिखा रहे हैं, तो उसको आपको कैसे लग रहा है कि ये सब जो कंटेंट बॉक्स ऑफिस में चल रहे हैं उससे आपका क्या कहना है? अच्छा है, और जो जो पहले दिखाते थे और जो आज के टाइम पे दिखा रहे हैं वेरी डिफरेंट। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले की तरह ही दिखाएं, अभी की पब्लिक तो बोर हो जाती है, क्योंकि जो पहले दिखाते थे वो दिखाएं। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा मैं।
तो सर यू हैव 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में आपको जितनी भी बॉलीवुड में फ्रेंडशिप के ऊपर मूवीज बनी है वो गेस करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टीटू की, सोनू की, टीटू की, स्वीटी, राइट? फर्स्ट तो गुंडे, थ्री इडियट, ओ शोले, देन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ओके, सोनू के टूटी की सिटी, एंड देन दिल चाहता है ऑब्वियसली, एंड काय पूछे, ये जवानी है दीवानी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जवानी है दीवानी, उसमें भी बहुत अच्छी दोस्ती है उनकी, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दोस्ताना के बाद यार है तो बहुत सी बात यार याद नहीं आ रहा है। अरे अभी मडगांव एक्सप्रेस, याराना सबसे पुरानी, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जी की, गो गोवा गॉन, गो गोवा गॉन, शोले, अरे लव का मंचनामा, प्यार का मंचनामा, आई थिंक यही बहुत ज्यादा है जो जिनकी हाइप बनी रही हमेशा से और अभी तक अपन रिपीट करके उनको देखते आ रहे हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप 15 सेकंड में कितनी फ्रेंडशिप वाली मूवी गेस कर पाए। सो होप से लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।